Now students, अब अगर हमने प्रोडक्ट रोड मैप फाइनलाइज कर लिया उसके बाद हमने रोड मैप को ब्रेक डाउन भी कर दिया रिलीज के अंदर अगला स्टेप जो है वो आ, है यूजर स्टोरीज क्रिएट करना यानी अगर मैं आपको लेम एंड टर्म में समझाऊं ये यूजर स्टोरीज को स्टोरीज नहीं बोलते हैं कि इसका कोई एक तो कोई स्टैंडर्ड आर्ट नहीं है यानी कोई एक ही वेट डॉक्यूमेंट नहीं है इसको आपको फिल करना है यूजर स्टोरी से मुरादी होती है कि आपने रिक्वायरमेंट कैप्चर करनी है लेकिन फ्रॉम यूजर व्यू पॉइंट जो ट्रेडिशनल तरीका होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है फ्रॉम द टेक्निकल व्यू पॉइंट यानी डेवलपमेंट टीम को समझाने के लिए हम रिक्वायरमेंट को लिखते हैं ट्रेडिशनल तरीके में एजीआल डिफरेंट है एजीआईल क्योंकि कस्टमर फोकस है तो इसके अंदर हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं फ्रॉम द यूजर व्यू पॉइंट यानी एंड यूजर इसको कैसे यूज करेगा ये एक माइंडसेट का शिफ्ट है इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो करनी है ना यानी आपको कहीं ये लिखना तो है हाई लेवल पे कि आप आप बनाना क्या चाह रहे हैं यानी यू कैन नॉट जस्ट से और ये मैंने देखा हुआ होते हुए कि जी क्योंकि हम एजाइल फॉलो कर रहे हैं तो वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग दिस इज रॉन्ग एक्चुअली चाहे आप एजाइल फॉलो कर रहे हैं चाहे वाटरफॉल करें आपको लिखना तो है ना कि आपने बनाना क्या है चाहे आप कम लिखें लेकिन लिखें तो सही ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके दिमाग में जो चीज है वो ऑटोमेटिकली लोगों को समझ आ जाएगी ऐसा नहीं होता लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसकनसेप्शन है तो जो अगर मैं बाय द बुक चलू तो जो यूजर स्टोरीज हैं वो क्योंकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं यानी जैसा हमने कहा था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग इसके अंदर भी होती है और जो प्रोडक्ट ओनर है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है क्लाइंट रिक्वायरमेंट का तो इफ़ वी गो बाय द बुक यानी अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो जो यूजर स्टोरीज़ हैं वो लिखता तो प्रोडक्ट यानी वो आती तो प्रोडक्ट ऑनर की तरफ से ही है लेकिन इसके अंदर इन्वॉल्व स्क्रम मास्टर भी होता है डेवलपमेंट टीम भी होती है प्रोडक्ट ओनर तो होता ही है सीनियर मैनेजमेंट भी होती है मतलब इट्स अ कोलेबरेटिव वर्क लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आ, 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 आपके प्रोडक्ट ओनर की जो यूजर स्टोरीज होती हैं ये रिलीज प्लान के बाद बनती हैं यानी वंस आपने ये फाइनलाइज कर लिया कि आपकी कौन सी रिलीज किस दिन आप प्लान आप कर रहे हैं तो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप रिलीज को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं यूं समझें कि आपके पास कुछ स्टिकी नोट्स हैं आप यूजर स्टोरीज को स्टिकी नोट वन लाइनर है बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होती इसके अंदर और इसको लिखने का कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं है इसे मैं आपसे टेम्पलेट बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उसका टेम्परेट है ही कोई नहीं तो ये बिल्कुल वन लाइनर यानी आसान इंग्लिश में लिखी जाती है कोई इसके अंदर यूज केस डायग्राम नहीं बनती कोई हैवी वेट इसके अंदर डायग्राम नहीं बनती लेकिन द की थिंग इज कि आपको वन लाइनर लिखना तो है क्योंकि जब आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है तो उसकी इनपुट जो है वो आपकी एक्चुअली यूजर स्टोरीज है अगर यूजर स्टोरीज आप नहीं लिखेंगे तो आप बनाएंगे क्या यानी आप डेवलपमेंट टीम को कुछ अब कुछ तो हैंड ओवर करेंगे ना डेवलपमेंट टीम को कि हम ये बनाना चाह रहे हैं अगर आप ये कहेंगे कि जी हम एजाइल यूज कर रहे हैं इसलिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम एजाइल यूज कर रहे हैं तो हम डेवलपमेंट के दरमियान ही बताएंगे कि क्या बनाना है तो अमूमन ऐसे प्रोडक्ट एंड में फेल होते हैं तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड यूजर स्टोरी